नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल भैया पर। कैसे हो आप सभी लोग? तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर अगर आप इस चैनल को टच किए हैं और इस वीडियो को आपने छुआ है तो आप सही जगह पर आए हैं। अगर आपका आपके पास भी एक टैबलेट फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन है तो अगर आपको भी विंडो और कंप्यूटर की तरह अपने फ़ोन में फीलिंग लाना चाहते हैं और उसमें कंप्यूटर के सभी फीचर चलाना चाहते हैं तो आप सही समय पर और सही जगह पर आए हैं। स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने वीडियो पे। हम आपको अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कैसे आप एक कंप्यूटर पर्सनल पीसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन हो या आपका टैबलेट। तो चलिए बिना देरी के कि हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरह, चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए हम पहले बैक कर लेते हैं कहाँ पहुँच गए। तो हम आ जाते हैं, देख सकते हैं मेरा फ़ोन है, और फ़ोन में आने के बाद आ जाते हैं प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च बटन पे जाना है और यहाँ आपको टाइप करना है विंडो 7। विंडो 7 आप जैसे इसमें टाइप करेंगे देखो नीचे भी आ जाएगा और आप लिख भी देंगे 7 तो आप टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद ये ऊपर वाला सबसे पहले जो ऊपर वाला सबसे ऊपर है विंडो 7 आप इसमें क्लिक कर देंगे। मैंने तो डाउनलोड कर रखा है तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और इसको यहीं से प्ले भी कर सकते हैं। तो प्ले कर लेते हैं। यहीं से प्ले करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का एप्लीकेशन ओपन होगा और ओपन हो रहा। तो ये जैसे आपका कंप्यूटर पर्सनल पीसी स्टार्ट होता है वैसे ही ये भी स्टार्ट होगा और स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जैसा कि देख सकते हैं आप ये विंडो ओपन हो चुका है और इसमें क्लिक करेंगे। आप अगर अपना पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड आईडी लगा सकते हैं, नहीं तो आप कैंसिल करके बैक आ जाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ बैक और फिर गेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पीसी हो गया है ओपन और देखिए फ़ोन पे एकदम अच्छी तरीके से कर्सर पे मिलेगा। आप अपने फ़ोन में एक माउस भी लगा करके अपना चला सकते हैं। तो मैं चलो तुमको क्रोम ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप आज हम आते हैं क्रोम को ओपन करते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें फीचर दिए हुए, तो क्रोम को हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ क्रोम पे आने पर हमको सर्च बार में आना है। हम आपको सर्च बार में आकर के आपको दिखा देते हैं कि YouTube भी इसमें चल सकता है। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे YouTube। जब आप सर्च कर लेंगे तो थोड़ी देर सर्च करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में YouTube ओपन हो जाएगा आपका। तो YouTube ओपन कर लेंगे। तो YouTube ओपन करने के बाद देख सकते हैं, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से YouTube अपना चले लगा है। चलिए हम आपको एक गाना सुनाते हैं। ये गाना स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं गाना कितना प्यारा है। इसमें आप फीलिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर एक कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल होता है। पढ़ते हैं वॉइस और देख सकते हैं एकदम हमें ऐसा ही लग रहा है कि एकदम कंप्यूटर की तरह ही फीलिंग्स आ रही है फ़ोन चलाते समय। और भी इसमें चीज़ें जैसे विंडो हमारा हो गया, नोटपैड भी इसमें चल सकता है। आप मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, या तो आप विंडो पे आइए फिर से आप इसमें नोटपैड में फाइल्स, माई फाइल्स, मीडिया फाइल्स, देखिए पूरा एकदम उसी तरह का है। पूरी फाइल्स जो भी फॉर्मेट फॉन्ट वॉन्ट सभी इसमें उसी तरह से इंक्लूडेड है। और यहाँ पे मीडिया अपना हो गया, माई डिवाइस भी हो जाएगी, एंड्रॉयड ओपन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक करके जा सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ, चलो बैक करते हैं। सभी चीज़ें हैं इसमें देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी फ़ोन को कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ, चलो बाइक चलते हैं, थोड़ा सा आते हैं। फॉन्ट ऑन किसके सही हैं और आप जैसे अपने पीसी पे क्लिक करेंगे तो इसको फुल करें, देखिए पूरा कंप्यूटर की तरह दिख रहा है, क्यों ना एकदम फीलिंग आ रही है आपका बेस्ट। मुझे तो बहुत मज़ा आती है, मैं तो अपने जो भी काम होते हैं पर्सनल पीसी में ही करता हूँ। इसमें मैं अपना यूट्यूब वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से मज़ा आती है इसमें चलाने पर। आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको।